हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अकारी ने डिसाइड किया था वो आज रात कन्फेस करने की पूरी कोशिश करेगी और साची और नात्सुमी को कन्फेस करने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई थी। अब घर पे जीरो उसी इवेंट का पोस्टर देख रहा था और अकारी बता रही थी स्टेशन के सामने लाइट शो होने वाला है। वो पूछती है कि हम साथ में चले। वो घर में एक्समस ट्री डेकोरेट करना चाहती थी। वो कहती है वहाँ पे सभी टाइप्स के ऑर्नामेंट मिलते हैं, मुझे ट्री पे लगाने के लिए स्टार लेना है। अगर हम साथ में ट्री डेकोरेट कर पाते तो हम दोनों इस क्रिसमस पे कितने मजे कर पाते, पर तुम पढ़ाई में बहुत बिजी हो, सॉरी तुम इस बारे में चिंता मत करो। जीरो कहता चलो साथ में चलते हैं और फिर क्या, दोनों इवेंट की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अकारी कहती है थैंक्स, पर तुम अचानक से आने के लिए मान कैसे गए, तुम बस स्टडी और स्टडी कर रहे थे, मुझे लगा मैं बर्डन बन रही थी। जीरो कहता नहीं, बल्कि तुमने मुझे एग्जाम्स के स्ट्रेस से बचा लिया और वो खाने वाली जगह को मार्क करके लाया था। वो कहता सब कुछ भूल जाओ, हम सब कुछ खाने वाले हैं। अकारी कहती है तुम्हें जितना खाना हो खा लेना, बस मुझे एक बाइट खाने देना। जीरो कहता है तुम सारा बिल मुझसे पे करवाना चाहती हो। अकारी कहती है तुमने मुझे पकड़ लिया और फिर वो उसके हाथ में हाथ डालकर चलने लगती है। और साची और नात्सुमी भी यहीं पे थे, वो जीरो और अकारी को ही देख रहे थे। नात्सुमी कहती है अकारी को हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे अकेलापन फील हो रहा है, जीरो अकारी को हमसे छीन रहा है। साची कहती है मैं भी यही हूँ। और जीरो और अकारी खा रहे थे, अकारी खाते हुए उसकी फोटो भी खींच लेती है, फिर वो स्नोमैन से खेलती है, फिर वो इवेंट की कुछ जगहों पे विजिट करते हैं और फिर वो इयररिंग स्टॉल पे जाते हैं। अकारी एक पिक करती है और जीरो से पूछती है तुम्हें कैसा लग रहा है। जीरो मन में कह रहा था क्यूट और जुबान से निकल रहा था यस। अकारी कहती है यस का क्या मतलब है। जीरो कहता है अच्छा है। अकारी उसे बाय करने के लिए पेमेंट कर रही थी, उसका प्राइस 2800 येन था, पर जीरो पेमेंट कर देता है और कहता है मेरे लिए सब कुछ करने के लिए थैंक्स, ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है। अकारी कहती है थैंक्स, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो इयररिंग पहनने जाती है और जीरो की गिफ्ट वाली बात उसे याद आ रही थी। वो कहती है मैं खुशी से बेहोश ना हो जाऊं। दूसरी तरफ साची और नात्सुमी सोच रही थी अकारी को अभी तक कन्फेस कर देना चाहिए था, और इधर अकारी भी यही सोच रही थी। वो इयररिंग पहनकर वापस आती है। जीरो कहता है इवेंट का टाइम क्या था, तभी कोई बताता है 8 बजे, जल्दी अपने बॉयफ्रेंड को लो और जाओ। जीरो कहता है बस 3 ही मिनट बचे हैं, और अकारी तो बॉयफ्रेंड सुनकर लाल हो रही थी। जीरो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। अब वो दोनों पूरे सजे सजाए क्रिसमस ट्री के सामने थे और कोई सॉन्ग चल रहा था। अकारी कहती है अमेजिंग। जीरो कन्फेस करने वाला था पर अकारी उससे गाने का नाम पूछती है। जीरो कहता है एवी मारिया, मैंने ये पहले भी सुना है, हमने अपना पहला साल इसी गाने के साथ बिताया था, तुम्हें याद नहीं क्या। अकारी कहती है मैं सो गई होंगी पर इस बार मैं नहीं भूलूंगी। और दोनों ने पूरे टाइम एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ टाइम तक ऐसे ही रहने के बाद जीरो कन्फेस करना स्टार्ट करता है, पर क्योंकि इवेंट स्टार्ट हो चुका था तो सब जगह बबल्स उड़ रहे थे और भीड़ भी बहुत थी जिसकी वजह से शोर हो रहा था। अकारी कहती है रुको, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तभी जीरो से गले लगा के आई लव यू कहता है। अकारी भी उसे लव यू टू कहती है। वो कहती है मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ जीरो, और इसीलिए मैं चाहती हूँ हम जल्दबाजी ना करें और तुम्हारे कन्फेशन के आंसर के बारे में एक साथ प्रॉपरली सोचे। तभी अनाउंस होता है इवेंट खत्म हो गया है, और अकारी कहती है शायद ये हमारी डेट करने का सही टाइम नहीं है, मुझे लगता है हम दोनों के लिए बेटर होगा अगर हम यूजुअली जैसे रहते हैं वैसे ही रहे तो। तभी भीड़ से निकल के नात्सुमी और साची आती है और वो कहती है रुक जाओ, बहुत हुआ, मैंने बहुत बुलशिट सुन लिया। जीरो और अकारी हैरान हो जाते हैं। नात्सुमी कहती है सॉरी, हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। साची कहती है यहाँ खड़े मत रहो, आराम से बैठकर प्रॉपरली बात करो। वो दोनों को एक जगह पे बैठाते हैं और साची कहती है कोल्ड प्लेसेस पे सीरियस कन्वर्सेशन करने से बेफालतू में गुस्सा आएगा। नात्सुमी कहती है बिल्कुल वैसे ही जैसे साची को आ रहा है, और गुस्से को शांत करने के लिए साची ने दोनों को हॉट चॉकलेट दी थी। फिर वो अकारी से कहती है तुमने जब हमसे बात करी थी तब तुम अलग लग रही थी और अब तुम अलग लग रही हो, मुझे लग रहा है तुम किसी चीज के बारे में ओवरथिंक कर रही हो, तुम क्या सोच रही हो कह क्यों नहीं देती। नात्सुमी कहती है कोई बात नहीं, ऑनेस्ट अकारी भी क्यूट है। फिर वो दोनों को छोड़कर चले जाते हैं, और अकारी कहती है मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। जीरो कहता है कन्वर्सेशन खींच रही है, पहले ड्रिंक पी के काम डाउन हो जाते हैं और दोनों ड्रिंक के साथ खुद को चार्ज करते हैं। फिर अकारी कहती है आज मैं कन्फेस करने वाली थी। जीरो हैरान हो जाता है। अकारी कहती है मैं कन्फेस करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं कर सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारा फोकस एंट्रेंस एग्जाम से भटके, मुझे पता है अगर हम आज से डेटिंग स्टार्ट करते हैं तो तुम प्रॉपरली मेरा ध्यान रखोगे, तुम मेरे साथ और ज्यादा टाइम बिताने लगोगे, हम बिना रीजन के लड़ाई भी करेंगे, और इसकी वजह से अगर तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में इंटरफेरेंस आई तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। जीरो सोचता है
मैं अकारी के साथ ओपन होने के लिए इतना फोकस था कि मैं ये सब सोच ही नहीं पाया, पर अकारी इतने आगे का सोच रही थी। जिसकी मैं सबसे ज्यादा केयर करता हूँ वो मेरे बारे में इतना सोच रही थी। वो कहता है, यूनिवर्सिटी की चिंता मत करो, मेरा एडमिशन होना पक्का है। और या मैं ये कहूँ, जब मेरा एडमिशन हो जाएगा और जब हमारा प्रैक्टिकल खत्म होगा, जब हम मैरिड नहीं रहेंगे, तो मैं चाहूंगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। सॉरी पर मैं एरोगेंट तो नहीं हो रहा हूँ ना? अकारी कहते, तुमने हमेशा मुझे सहा है, चाहे मैं कितनी भी सेल्फिश क्यों ना बनी, तुम्हारे इस बर्ताव के साथ आज सब बराबर होता है। और इसके बदले मैं चाहती हूँ तुम एग्जाम में अपना बेस्ट करो। जीरो प्रॉमिस करता है और दोनों घर जाने लगते हैं। जीरो कहता है, अजीब है ना, हम लवर्स नहीं है पर हम मैरिड हैं और उसी पुराने घर जा रहे हैं। अकारी कहते, तुमने कन्फेस करने की हिम्मत जुटाई और कह दिया, पर फिर भी तुम वही जीरो हो। जीरो कहता है, चुप रहो। अकारी कहती है, हम डेट करें या ना करें, ये नहीं बदलेगा कि हम स्टार्टिंग से ही कपल हैं। जीरो कहता है, नहीं, डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। अकारी कहती है, हमारे लिए पॉइंट्स कमाना और इजी हो जाएगा। जीरो कहता है, हाँ शायद। अकारी कहती है, एक मिनट, तुम कुछ डर्टी सोच रहे हो ना? पक्का तुम कुछ गंदा सोच रहे हो। जीरो कहता है, पूछ तो तुम ही रही हो। अकारी कहती है, मैं स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ, हम घर जाकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम नॉर्मली रहेंगे जैसे हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम डेट नहीं कर रहे हैं। और जीरो के दिल में जैसे सुई चुभ जाती है। फिर अकारी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि तुम बहुत पैथेटिक लग रहे हो। जब तक हम घर नहीं पहुंचते, हम लवर्स की तरह रह सकते हैं। जीरो का फेस लाल हो जाता है। अकारी कहती है, तुम एलिमेंट्री स्कूल में हो क्या? तुम्हारा पूरा फेस लाल हो गया है। जीरो कहता है, अभी मैं इस दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। और यहीं पे ये खूबसूरत एपिसोड एंड होता है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे इसके आखिरी चैप्टर के साथ। आखिरी चैप्टर से मेरा मतलब है जितने रिलीज हुए हैं उनमें से आखिरी चैप्टर। उसके बाद न्यू चैप्टर 4th मार्च को रिलीज होगा, तो 5th मार्च को हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।